गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। शाह ने कल भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की कई योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने जवानों को भरोसा दिलाया है कि समुद्री सुरक्षा की मजबूती के लिए बजट की कमी नहीं दी जाएगी। गुजरात दौरे पर कच्छ पहुंचे गृह मंत्री शाह ने सर क्रीक बॉर्डर का जायजा लिया, बीएसएफ जवानों की पहरेदारी और उनकी चुनौतियों को करीब से देखा। इसके बाद जवानों से उन्होंने बातचीत की। अमित शाह ने कहा कि आप लोग सरहद पर तैनात हो, इसलिए हम आराम से सो पाते हैं। गृहमंत्री ने बीएसएफ की तटीय चौकियों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। कच्छ जिले में मेडी और जखाऊ के बीच 164 करोड़ रुपए की लागत से 18 चौकियां बनाई जा रही हैं। कच्छ में अमित शाह ने कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। साथ ही कोटेश्वर में 60 एकड़ में बन रहे बीएसएफ के मोरिंग प्लेस यानी कि जहाजों को बांधने की जगह की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने भारतीय चौकी हरामी नाला के पास भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा किया। अमित शाह ने बॉर्डर पर तैनात महिला जवानों से भी मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। आज गांधीनगर में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना का उनका कार्यक्रम है।